ये संपूर्ण समाधान दिवस तहसील अमेठी में था, जिसमें जो शिकायतें हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, विकास विभाग, आपूर्ति और बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें ज़्यादा आई हैं। अधिकारियों को सबकी बैठक ले ली गई है, लेखपाल कानून को तहसील के सभी विभाग अधिकारियों की, विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि ये शिकायतपूर्ण हो। 10 टीमें रवाना कर दी गई हैं, वो टीमें उनको शिकायतें दे दी गई हैं, और जो टीम रवाना हो गई थी उनको उस गांव की जो शिकायतें हैं उनको व्हाट्सअप, तो इनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ तहसीलदार और एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जो बिजली विभाग से संबंधित वसूली है, जो आरसी आई है उनकी टीम बनाकर, दोनों विद्युत विभाग और रेवेन्यू की टीम बनाकर इसकी वसूली सुनिश्चित कराएं, शमदे की, रॉयल्टी की और बैंक दे की ये प्रभावी वसूली करें। साथ ही साथ जो जन सुनवाई के मामले जितने आ रहे हैं उनमें सुनिश्चित कर लें कि कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है, उसकी शिकायत का समाधान अवश्य कराएँ, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तहसीलदार और एसडीएम स्वयं जाएँ, और टिपिकल भूमि विवाद आ रहा है तो एसडीएम और इंस्पेक्टर जाकर उसका भूमि विवाद निस्तारण कराएँ। समस्या ये है कि बिजली विभाग द्वारा मीटर लगाए गए हैं और उनका कनेक्शन नहीं किया गया है। ये अभी 2 गांव की समस्या आई है मेरे पास, वहाँ पर मैंने अभी मौके पर टीम भेज दी है। 2 गांव की समस्या आई है, उनमें 3 लोगों की शिकायतें आई थी 2 गांव में कि मीटर लगा दिया गया है, ट्रांसफार्मर भी रख दिया गया है और कनेक्शन से दूसरी साइड से जोड़ा गया है, जो मुख्य है वहाँ से नहीं जोड़ा गया है, जहाँ पर इन्होंने मेन नहीं लाई लेकिन पीछे से चल रहा है। तो उनको निर्देश दिए हैं कि टीम अभी मौके पर बजाज कंपनियाँ पे काम कर रही थी, हालांकि जोड़ा है, कनेक्शन जोड़ा है, शिकायत यह आई कि वो पीछे की साइड से जो वहाँ से नहीं जोड़ा है, तो निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर इसमें जो नई लाइन बिछाई गई उससे आपूर्ति सुनिश्चित करें। कुल कितनी शिकायतें हैं सर? 28 शिकायतें आई। मैम, बंद नलकूपों से किसानों को बड़ी समस्या हो रही है, इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जनपद में 362 नलकूप हैं, जिनमें से 7 जो है यांत्रिक कारण नलकूप खराब पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे नलकूप हैं जो ठीक ही नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल बोर उनके फेल हो गए हैं। बाकी विद्युत दोष के कारण जो 7 नलकूप विद्युत दोष के कारण थे उनमें इनको निर्देश दिए, उनमें से हो गए हैं। तो जिन किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है उनके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है? नहीं, जिनमें अभी आप देख रहे हैं कि नहर जो है इस एरिया में जो नहरें और अजवाहा हैं माइनर्स हैं उनमें पूरी फुल स्पीड में जलापूर्ति हो रही है, बल्कि तो सुंडी माइनर में तो किसान कह रहे हैं कि साहब बंद कराइए, पानी जो है वो कम करा दीजिए, तो जो टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है उसके लिए मैंने उनको समझाया कि भाई टेल तक पानी पहुंचने के लिए अब फुल स्पीड में जब तक पानी नहीं जाएगा तो टेल तक नहीं पहुँचेगा, तो और इस तरह की काश्तकार की भी कोई समस्या नहीं आई है। ये 7 जो है ये काफ़ी दिनों से बंद हैं, नलकूप जो है काफ़ी दिनों से बंद हैं, चूँकि यांत्रिक दोष खराब हो चुके हैं तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। इनके रिपोर्ट के लिए शासन को जो है लिखा गया है, उसमें नलकूप एक्सियन नलकूप जांच करके भेजा है अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है।